नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत से बनने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते चलेंगे। यानी कि यह जो अभी भाग है, यह दोस्तों भाग पहला है। और दोस्तों, भाग 1, 2, 3, यहाँ पे 5 पार्ट तक संपूर्ण प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यह प्रतिशत का भाग पहला है और हम इस भाग में प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर जानेंगे क्या इसका बेसिक है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं किसका, प्रतिशत की यहाँ पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रतिशत जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, यह दोस्तों इससे दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द आपको दिख रहा होगा यहाँ से प्रति, ठीक है, प्रति दिख रहा होगा। दूसरा शब्द है शत, यानी कि दोस्तों अब इसका अलग अलग अर्थ निकलता है। प्रति शब्द है दोस्तों, प्रति का अर्थ क्या निकलता है, प्रत्येक, ठीक है, प्रति का निकलता है प्रत्येक। और शत का निकलता है सैकड़ा या फिर 100, ठीक है। यानी कि प्रतिशत का आप बोल सकते हैं प्रत्येक सैकड़ा, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्रत्येक सैकड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसको वैसे भी परिभाषा के तौर पर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप यह भी कह सकते हैं कि ये जो प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत वह भिन्न है, ठीक है, वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। ठीक है, जिसका हर हमेशा कितना होता है, हर हमेशा 100 होता है, ठीक है, और अंश इसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हर हमेशा 100 होता है और अंश इसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप इसे परिभाषा शब्द के नाम से भी जान सकते हैं या फिर आप इसको अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इसको देख सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 या फिर 100 रहता है और जो अंश रहता है वह कुछ भी हो सकता है। आप यह भी कह सकते हैं दोस्तों, प्रतिशत तो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। यदि आप मान के चलिएगा, आप यहाँ पर देख लेते हैं कोई भी, जैसे मान के लो प्रत्येक एक परीक्षा में 80% यहाँ पर छात्र हैं वह पास हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे प्रतिशत का मतलब ही है कितना, 100%, कितना प्रतिशत का मतलब ही 100%। तो यदि 80% यहाँ पर फेल हो जाते हैं तो शेष कितने, 20% बचे, यानी कि टोटल दोनों का कितना यहाँ पर 100 ही होना चाहिए, 100 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ यहाँ पर इसका बेसिक जान लेते हैं, यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट जो है यहाँ पर वो अपन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले कोई भी संख्या यहाँ पर जो आपको दी है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर संख्या अपन पहले शुरू से बिल्कुल इजी से चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर 100 सबसे इजी संख्या है, तो इसको 100 ही मान लेते हैं। दोस्तों 100 का यदि आप 100% यहाँ पर निकालेंगे, दोस्तों 100 का 100% यहाँ पर निकालेंगे तो कितना 100 ही आएगा, यानी कि 100 ही आएगा। और दोस्तों बाकी परसेंटेज निकालने के लिए मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताता चलूंगा ताकि आप आसानी से इसको निकाल सकें। 100 का 100% निकालने के लिए दोस्तों आपको 1 से भाग देना पड़ता है, तो आप बिल्कुल 100 का 100% निकाल सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आपको 100 का कितने परसेंट निकालना है, 50% यदि आपको निकालना है तो 100 को आपको 2 से डिवाइड करना होगा। जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे ही आपको 100 का कितने 25% निकालना है, तो 25% निकालने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये 100 नहीं, यदि आप कोई भी संख्या हो यहाँ पर, यदि परसेंटेज यहाँ पर निकालना है आपको, तो मैं कुछ भाग दे के आपको निकाल के यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ पर फार्मूले के तौर पर भी आप उसको यूज करते हैं या फिर आप ट्रिक भी या डायरेक्ट निकालने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले 20% निकालने के लिए कोई भी संख्या हो, संख्या कोई भी हो, उस संख्या को अपन यहाँ पर 5 से क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, 5 से भाग देंगे। ठीक है, 20% निकालने के लिए 5 से यहाँ पर भाग देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 50% निकालने के लिए 2 से भाग देंगे। ठीक है, 50% निकालने के लिए अपन कितने, 2 से भाग देंगे। ठीक है,
और यहाँ पर दोस्तों 25% निकालने के लिए यहाँ पर 4 से भाग देंगे, तो डायरेक्ट आपको कितना 25% निकाल लेंगे। भाई दोस्तों इसके जो कि डिफिकल्ट होते हैं परसेंट निकालने में, उनको अभी बता दे रहा हूँ जैसे कि डिफिकल्ट क्या होते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 16 सही 2/3%, ठीक है, और 14 सही 2/7%, 11 सही 1/11, सॉरी 11 सही 1/9%, और यहाँ पर 9 सही 1/11%, ठीक है। अब दोस्तों ये आप सोचेंगे इनको कैसे निकाला जाता है। दोस्तों इनको निकालने के लिए आपको जो यहाँ पर दिया है 16 सही 2/3% निकालने के लिए आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, केवल और केवल कोई भी संख्या हो उसको 6 से डिवाइड कर देना है। और यहाँ वहीं पर जो 14 सही 2/7 निकालने के लिए आपको 7 से डिवाइड कर देना है, तो आप उसका 14 सही 2/7% निकाल लेंगे। वहीं 11 सही 1/9% निकालने के लिए आपको किसी भी संख्या को 9 से भाग देना होगा। वहीं बात करते हैं 9 सही 1/11% निकालने के लिए आपको यहाँ पर 11 से इसको भाग देना होगा। संख्या कोई भी हो, यदि आपको 9 सही 1/11% निकालना है तो आपको कितने 11 से भाग यहाँ पर दे देंगे, तो उसका परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। अब दोस्तों यह परसेंट तो अपन ने यहाँ पर निकाल लिया, इसके बाद दोस्तों अपन यहाँ पे कुछ और सीख लेते हैं, ठीक है। आप यह यदि आप नोट करना चाहते हैं तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब इनको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। दोस्तों एक कंसेप्ट मैं आपको और यहाँ पर बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि कोई भी संख्या हो, यहाँ पर यदि आपको 10% निकालना हो, या फिर 1% निकालना हो, या फिर आप यहाँ पर 100% यहाँ पर निकालना हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो दोस्तों आप यदि 10% निकालना हो तो 10% निकालने इकाई के अंक के बाद, ठीक है, यानी कि इकाई का अंक जो भी रहता है उससे पहले आप इस एक पॉइंट रख दीजिएगा। जैसे कि आप पॉइंट देखेंगे, यदि यहाँ पर 525 लिखा हुआ है, ठीक है, 525 का आपको 10% निकालना है, तो यदि आपको इसका 10% निकालना है तो आप क्या करेंगे, इकाई के पहले यानी कि 5 के पहले आप एक पॉइंट रख देंगे यहाँ पर, तो यह 10% हो जाएगा। तो यानी कि आप यह कह सकते हैं कोई भी संख्या होगी, यानी कि आप जय भी कह सकते हैं 10,000 या फिर 1,000, इसका आप 10% निकालना है आपको, तो आपको कितना इकाई के अंक के पहले आपको पॉइंट रख देना है, तो यानी 10,000 का 10% यहाँ पर आएगा 1,000, ठीक है। वही बात करते हैं 1%, तो 1% निकालने के लिए कोई भी संख्या हो, उस संख्या दहाई के अंक के पहले यानी इकाई दहाई से पहले पॉइंट रख दिया जाता है, तो वह संख्या कितनी 1% हो जाती है। और 10% हो जाती है, देखिए 10% हो जाती है इकाई के पहले अंक रखने पॉइंट रखने पर, और 1% हो जाती है दहाई के पहले पॉइंट रखने पर, भाई 1% हो जाती है। और 100% की बात करें दोस्तों, संख्या कोई भी हो वह अपने आप में 100% ही होती है, चाहे वह 1 हो या 1,000 हो या फिर 1,00,000 हो, संख्या कोई भी हो वह अपने आप में 100% ही रहती है। तो आपको आशा करता हूं यह कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अपन कुछ यहाँ पर बेसिक से यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, देखिए कि यहाँ पर देखेंगे 500 का अपन को यहाँ पर कितना 10% निकालना है, ठीक है। आप इसको निकालिए, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया है 450 का कितने 10% निकालना है, 10% क्या होगा, ठीक है। और यह तीसरा प्रश्न है यहाँ पर 200 का 200% कितना होगा, ठीक है। वही बात करें चौथा प्रश्न की, तो 1,000 का अपन 1,000 का इसको कितना 25% यहाँ पर निकालना है, 25% इसको निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पहला पहले निकालने के लिए क्या 10% निकालना है 500 का, तो मैंने क्या बोला था आपको,
इकाई के अंक के पहले पॉइंट रखना है, तो इकाई के अंक के पहले 1 0, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई के पहले आप पॉइंट रखेंगे तो कितना 50 हो जाएगा, तो 500 का 10% यहाँ पर हो जाएगा 50। वही बात करें 450 की, तो इकाई के पहले पॉइंट रख देंगे तो कितना 45 हो जाएगा, 450 का 10% हो जाएगा 45। वही 200 का 200% निकालना है, तो 200 का 200% निकालने के लिए दोस्तों पहले 100% निकाल लेते। दोस्तों 100% का मैंने क्या बोला था कि कोई भी संख्या हो वह अपने आप में हमेशा 100% ही होती है, यानी कि आप 200 का 100% 100% निकालेंगे तो 200 ही होगी, और 200% यानी कि डबल निकाल देंगे तो वह हो जाएगी कितनी 400 यहां पर हो जाएगी, ठीक है। 200 का 200% 400। भाई 1000 का 25%, दोस्तों 25% निकालने के लिए मैं डायरेक्ट बताया था कि उसको आपको 4 से भाग देना है, तो आप जैसे ही इसको 4 से भाग दोगे तो आप कितने 2 बार जाएगा, इसके बाद दोस्तों 2 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 4 5 यहाँ पर 20, और यह 0 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1000 का 25% हो जाएगा कितना 250, ठीक है। इस टाइप से आप यहाँ पर प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ और मैं डायरेक्ट यहाँ पर मेथड आपके लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आप इनको भी लिख सकते हैं। जैसे ये पहले यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 100% बराबर क्या, भिन्न में बदलना, आप भिन्न में याद रख सकते हैं, तो 100% को यहाँ पर देखेंगे भिन्न में, तो दोस्तों इसका होता है 1/1, ठीक है। वही 50% बराबर होता है 1/2, 25% बराबर होता है 1/4, ठीक है। वही 40% बराबर होता है कितने 2/5, ठीक है। और 30% बराबर क्या होता है, 30% बराबर होता है 3/10, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 75% बराबर होता है 3/4, ठीक है। 60% बराबर होता है 3/5, और दोस्तों 90% बराबर होता है 9/10, और 33 सही 1/3% बराबर होता है 1/3, 80% बराबर होता है, 80% बराबर क्या होता है 4/5। यार दोस्तों डायरेक्ट भिन्न है, यदि आपको यह भिन्न याद हो जाती है तो आप बिल्कुल यह मान के चलिए आपका जो भी परसेंटेज का चैप्टर या फिर क्वेश्चन कोई भी आएगा आपको आसानी से बन जाएगा, यानी कि दोस्तों आप कोई एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न क्वेश्चन आए हुए हैं यदि आप उनको देखेंगे तो लगभग यही संख्या यूज की जाती है, जैसे कि 3/5% या फिर 3/10, 3 2/5, यही संख्याएं, यानी कि यही संख्या जो है प्रश्न को डिफिकल्ट बना देती हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं, इन जो भी संख्याएं हैं या इन मान को याद कर लेते हैं दोस्तों, तो यह याद रखने वाली बातें हैं, याद जरूरी है इनको याद रखना, ठीक है। यदि आप यह याद रखते हैं तो आप परसेंटेज बिल्कुल उंगलियों में हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस पहला वीडियो अब यहीं पर समाप्त किया जाता है। दोस्तों पहले वीडियो में बिल्कुल बेसिक तरीके से हमने यहाँ पर जाना परसेंटेज को, कि कैसे यहाँ पर परसेंटेज के कुछ सॉल्यूशन होते हैं। दोस्तों इसके बाद परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पर जल्दी ही यहाँ पर आने वाला है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा आप उसको नोटिफिकेशन आपको आसानी से उसका मिल जाए। तो प्लीज दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।